यो आकाशवाणी जम्मू है गुजरी खबरों का आज का शुमारा संघू अब्दुल रहमान शाहीन। सेहत खानदानी बहबूद वजारत की तरफों पूरा मुल्क में कोविड 19 का 775 मामला की तस्दीक की गई है तो इस वायरस संग 19 अफराद की मौत हो गई है और इस वेले तक 78 मरीज ठीक भी हो गए हैं जिन्होंने हस्पताल तो छुट्टी दे दी गई है। हुकूमत का कहना है जो कोविड 19 बारे बचाओ रोक ते इंतजाम का आला सतह पर निगरानी की जा रही है तो रियासत का इश्तराक संग इस खातर बहुत सारा इकदाम भी किए गए हैं। सरकार ने कहा है जे अजू तक भारत में कोरोना वायरस को कम्यूनिटी में मुंतकिल होने बारे कोई सबूत नहीं। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है जो इस मुश्किल वक्त में गरीब ते पसमानदा लोगों की इमदाद बारे हुकूमत की तरफों बहुत सारा इकदाम को ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा जे 130 करोड़ भारतीय ना कोरोना वबा के खिलाफ लड़ाई में कौमी रजाकारन के तौर चलना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेडियो जो कि संग बातचीत करता हुआ वज़ीरे आज़म मोदी ने कहा जे अवामी नशरियात तलो ऑल इंडिया रेडियो अफवाहबाजी न रोकने बारे बिलखसूस बड़ो अहम रोल अदा कर रहे है। जनाब मोदी ने रेडियो जोकीज ना गुजारिश की जे वे अफवाह ना फैलन ते रोकन बारे कम करें। वज़ीरे आज़म ने कहा जे यो बड़ो अहम है कि हुकूमत ऐलानात की इतला मुस्तहिक आबादी तक जल्द और वेले सर पुजे। इखलाकियात की अहमियत बारे जोर देता हुआ जनाब मोदी ने कहा जे डॉक्टर सेहत कारकुना ते हवाई खिदमात का अमला संग बद इखलाकी नाल पेशानों वायरस से ज्यादा मुतासर होने को खतरो जाहिर करे तो ऐसी ललकारा ना हटाना चाहिए। उन्होंने कहा जे आवाम ना पुलिस संग भी तआवुन करना चाहिए ते पुलिस सख्ती करे क्योंकि नज्म व जब्त ना अमला नू भी बड़ो जरूरी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का 6 मजीद मामला मुस्बत आए हैं जिनमें जित हुन इन मरीजों की तादाद 20 तक पुज गई है जिनमें 18 मुतासरा एक को ठीक होनो ते एक की मौत होनो शामिल है। कल शाम ना रजौरी जिला ते कोरोना वायरस का 2 नवा मामला का टेस्ट मुस्बत आए हैं। इससे पहला कल दिन श्रीनगर ते 4 नवा कोरोना मुस्बत मामला बांधे आया था। कोई 6000 लोगों ना निगरानी में रखा गया है। हुकूमत ने कश्मीर में 8 हस्पतालों ते जम्मू में 3 हस्पतालों ना मुकम्मल तौर कोविड 19 हस्पतालों का तौर करा दितो है। मजीद 2400 मुआलजी बेड ते 1000 अजाफी करंतीना बेड भी खाली रखा गया है। लोगों की सहूलियात की खातर बिजली ते पानी सप्लाई महकमा की तरफों लोगों ने कहा गया है जे वे कोरोना की चेन तोड़न का मकसद संग अपना बिल ऑनलाइन अदा करें। हुकूमत ने वज़ीरे आज़म गरीब कल्याण योजना के स्कीम के तहत 2 महीना की पेशगी राशन ते मुफ्त राशन तकसीम करने भी शुरू किया है। हुकूमत ने लोगों से अपील की है जे वे खौफसदा ना वे तो जरूरी चीज़ा बस्तों की दस्तियाबी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। लोगों की सहूलत की खातर जम्मू कश्मीर यूटी सतह पर टेलीफोन नंबर 0191254967 के अलावा सुबह जम्मू वस्ते 0912520982 ते कश्मीर सुबह वस्ते 0194244028 टेलीफोन नंबर चल रहे हैं। लोगों ने कहा गया है जे वे अफवाह पर ध्यान न दें तो हुकूमत की तरफों जारी इतलात ही सही मने। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन न सख्ती संग मिलाया जा रहा है। पहला तो ऐलानशुदा सिर्फ जरूरी खिदमात संग मुंसलिक अफराद नहीं अगे चलन दर छोड़ो जा रहा है। इस वेला तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 329 FIR का मामला दर्ज किया है ते 600 गड्डी हुकूमत की तरफों जारी लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करण वर जब्त की गई हैं। पुलिस ते सिविल इंतजामिया ऐसा अफराद की तलाश कर रही हैं जिन्होंने अपनी सफरी तफसील छुपाई ते इस वेले तक 1200 ऐसा अफराद की पहचान भी कर ली गई है। हुकूमत ने कहा है कि अहकाम की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ वबा बीमारी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई अमलाई जाएगी। कोरोना वायरस का फैलाव ते लॉकडाउन का तनाजर में महकमा सेहत आमा ते महकमा बिजली की तरफों लोगों ने कहा गया है जे वे अपने घरें रहता वहीं बिल्स की अदायगी बारे ऑनलाइन अदायगी सहूलियात अपनावें। पानी का बिल वेबसाइट jkphdwaterbilling.com या फिर वाटर बिलिंग ऐप पर ऑनलाइन अदा किया जा सकें तो इसी तरह बिजली का बिल भी वेबसाइट https://bilsahuliyat.jkpdd.net पर अदा किया जा सकें। महकमा PHE की तरफों लोगों ने यह भी गुजारिश की गई है जे वे पानी को सही इस्तेमाल करें तो इसना फजूल जाया ना करें। पानी सप्लाई के मुतल्लिक किसी भी शिकायत की खातर लोग टेलीफोन नंबर 1800180707045 पर मुफ्त कॉल करके अपनी मुश्किल दर्ज करवा सकें तो इसी तरह जम्मू वस्ता टेलीफोन नंबर 94191 86479 और कश्मीर वस्ते टेलीफोन नंबर
सिफर 1942477207 वर भी लोग पानी सप्लाई के मतलब रबतों कायम कर सकें। इसके नाली गोजरी खबरों को अज को शुमारो मुक्यो।